Good morning, children. Welcome to the class. So this is the first class for you. And in this class, we are going to talk about our solar system. This is the chapter from your geography book, The Earth, Our Habitat. In this book, the first chapter, that is the Earth in our solar system. First, let me define the meaning of this chapter. अर्थ मीन्स यू नो जिस पर हम लोग रहते हैं, राइट और नॉट? दिस इज द अर्थ एंड व्हाट इज सोलर सिस्टम, इसको हम फ्यूचर में देखेंगे, आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, राइट? थोड़ा सा वेट करते हैं. सो हम अर्थ के बारे में, हम सभी को पता है दैट अर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑन विच वी लिव, राइट? एंड दिस अर्थ प्रोवाइड अस विथ राइट अमाउंट ऑफ फूड, वाटर एंड एयर, राइट? तो हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? तो लेट्स मूव. ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप जब कभी भी रात में, नाइट में जब आप स्काई को देखते हो, तो आप क्या देखते हो कि बिलियंस ऑफ स्टार्स, राइट, आर ट्विंकलिंग इन नाइट. रात में इस तरह से कई सारे तारे आपको दिखाई पड़ते हैं, अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, राइट? तो ये टिमटिमाते भी है, राइट और नॉट? ट्विंकल करते हैं, राइट? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे जो रात में जो तारे हैं या स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं, ये आखिर है क्या? ये क्यों टिमटिमाते हैं, राइट? हमसे कितनी दूर हैं, राइट? और इतने ज्यादा नंबर में, इतना ज्यादा नंबर में कैसे हैं, राइट? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में जानेंगे. उसके पहले आप एक एक्टिविटी कर सकते हो इस चैप्टर में. ये एक्टिविटी है कि आप अपने रूम में, अपने घर में इस तरह का स्काई बना सकते हो, अपने रूम के छत को स्काई बना सकते हो. कैसे? आपको क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी एक टॉर्च की, राइट? डू दिस एक्टिविटी. आपको एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, राइट? अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो ब्लैक पेपर काफी अच्छा होगा. एक टॉर्च चाहिए, राइट? ओके, ठीक है. और एक रबर बैंड चाहिए. आपको क्या करना है कि ये जो टॉर्च का ऊपर वाला हिस्सा होता है, राइट, आई एम जस्ट मेकिंग अ टॉर्च, राइट, एक पेपर लेना है. उस पेपर पर निडल से, राइट, कई सारे होल करने हैं. पेपर के ऊपर क्या करने हैं? होल करने हैं नीडल से ब्लैक पेपर पे. और इस ब्लैक पेपर को इस टॉर्च के ऊपर रखकर, राइट, इस तरह से रख के इसको रबर बैंड से बांध देना है टॉर्च के चारों तरफ, राइट? और जब आप इसको जलाओगे तो आप देखना कि क्या होता है. एंड यू विल यू टेल मी इन द क्लास कि आपने ये एक्टिविटी किया तो आपको क्या दिखा, राइट? अगर आपको कहीं पर समझ ना आए तो यू कैन रीड ऑल दीज स्टेप्स, राइट, थ्रू विच यू कैन डू दिस एक्टिविटी, राइट? ओके, फर्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी, राइट? सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, राइट? देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज फाउंड इन स्काई, राइट? रात में आप जब आकाश को देखोगे तो कई सारे आपको इस तरह के स्टार्स दिखाई पड़ेंगे. यहाँ पर देखो, ये सारे स्टार्स हैं, राइट, है ना? ये सारे स्टार्स हैं. अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं कलर चेंज करता हूं. ओके, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं? स्टार्स दिख रहे हैं. ये हमारा सन है. ये सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं. आई होप आपको पता होगा कि सन के चारों तरफ हमारी अर्थ भी घूमती है और उसके साथ कई सारे प्लैनेट्स भी घूमते हैं, राइट? इसके अलावा कई सारे स्टोन्स, एस्टेरॉइड्स, राइट, एस्टेरॉइड्स भी घूमते हैं सन के चारों तरफ. इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो कि हमारे स्पेस में है, इन सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है? चाहे वो सन हो, चाहे वो स्टार हो, राइट, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो एस्टेरॉइड हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, राइट? ओके, ठीक है.
तो सेलेस्टियल बॉडी का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? द सन द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, राइट? ठीक है, अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, रात में आप जब आकाश देखते हो तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत ही सुंदर सा चीज, दैट इज आवर मून, राइट? हमें मून देखने को मिलता है। कभी आपने सोचा है कि मून का साइज हमेशा बदलता क्यों रहता है? कभी ये पूरा होता है, कभी उससे छोटा होता है, कभी उससे छोटा होता है, राइट? और नॉट, कभी ये बिल्कुल पूरा होगा, कभी ये ऐसा होगा, राइट? कभी ये बिल्कुल और छोटा हो जाएगा, राइट? तो ऐसा क्यों होता है, राइट? ऐसा हमारे स्काई में इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द शैडो ऑफ अर्थ, ठीक है? अब देखो, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले देखो, जिस दिन फुल मून नाइट होता है, फुल मून नाइट मतलब जो हमारा चांद होता है वो बिल्कुल गोल होता है, उस दिन हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो अर्थ होता है वो बिल्कुल चमकीला होता है, हमारे पास सन मून से काफी ज्यादा लाइट हमारे पास आता है, राइट? लेकिन ए फोर्ट नाइट, लगभग 15 दिन के बाद क्या होता है, फिर से वापस से अमावस्या आता है। अमावस्या मतलब न्यू मून लाइट, उस दिन हमें चांद नहीं दिखता है, राइट और नॉट? तो ये दो चीजें आपने देखी होगी, पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है? आज आप आज से स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप रात में नाइट में मून देखना और काउंट करना कि कितने दिनों में ये जो है फुल मून हो जाता है और कितने दिनों में ये बिल्कुल न्यू मून नाइट होता है, मतलब अमावस्या हो जाता है, इस दिन मून नहीं दिखता है। आपको ये डे काउंट करना है, दिस इज योर एक्टिविटी, डू इट, राइट? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये जो मून है वो अलग अलग शेप में हमें नजर आता है, राइट? तो देखो, ये हमारा सन है, टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज आवर सन। ये सन क्या कर रही है, सन रे छोड़ रही है, राइट? और मून यहां पर आ गया और अर्थ यहां पर है, राइट? तो जब ये सन रे यहां से आएगा तो किस पर पड़ेगा, अर्थ के ऊपर पड़ेगा, और अर्थ का जो शैडो है, ठीक है, वो इतने वाले भाग पर मून पर पड़ेगा, ये मून मान लेते हैं कि दिस इज मून, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मून का जो ये वाला पार्ट है ये ढक जाएगा, राइट और नॉट? किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ शैडो ऑफ अर्थ, राइट? शैडो मतलब समझ में आता है, परछाई, राइट? शैडो ऑफ अर्थ की वजह से मून का इतना भाग छिप जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना भाग, इतना भाग, राइट? इस पर लाइट पड़ेगा, किसका, सनलाइट इस पर पड़ेगा, तो ये वाला भाग हमें क्या होगा, विजिबल होगा, राइट? अब अगर बिल्कुल अर्थ का जो लाइट है वो बिल्कुल पड़ जाए, पूरे पूरे मून पर पड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, अमावस्या बन जाएगा, दैट मीन्स हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा, राइट? तो यहां पर देखो, दिस इज फुल मून और ये क्या है, सबसे लास्ट वाला पोजीशन है, ये भी अगर दिखना बंद हो जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, अमावस्या बोलेंगे। यहाँ पर देखो, फुल मून इस साइड है और न्यू मून इस साइड है, यहाँ पर मून बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर फुल मून दिख रहा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा आधा हो गया, फिर थोड़ा कम हुआ, राइट और नॉट? बिल्कुल गायब हो गया, फिर इस तरह से एक साइकिल की तरह ये चलता रहता है, राइट? एक क्वेश्चन है कि आपको क्या कभी आपने सोचा है कि मून हमेशा नाइट में ही क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता है, राइट? क्योंकि दिन में जो है सनलाइट की वजह से मून छिप जाता है, राइट और नॉट? सनलाइट की वजह से, सनलाइट जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, राइट? जिसकी वजह से मून हमें नहीं दिखाई पड़ता है, राइट? ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज अवर स्टार्स। हम इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि ये कितने सारे स्टार्स हैं यहाँ पर, छोटे छोटे है ना, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टार के पास जाओगे तो ये स्टार कुछ इस तरह के आपको दिखेंगे, दिख रहे हो यहाँ पर, दीज ऑल आर स्टार्स। अब इस चीज का कंपैरिजन आप इस चीज से कर सकते हो दैट हमारा जो अर्थ है,
उससे कई गुना बड़ा ये स्टार्स होते हैं, कई यू कैन से मिलियंस टाइम, ठीक है, ये बड़े होते हैं स्टार्स, राइट। तो ये स्टार्स का डेफिनेशन क्या है? सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं जो काफी ज्यादा बिग होते हैं और काफी ज्यादा हॉट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। तो देखो ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं, ये गैस से बना होता है, ये हीट एंड लाइट को इमिट करता है, छोड़ता है, राइट और नॉट, ठीक है। इसी सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोला जाता है? स्टार्स बोला जाता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये स्टार्स जो है अगर इतने बड़े होते हैं तो ये इतने छोटे क्यों दिखते हैं? ऑब्वियस सा आंसर है, क्योंकि ये हमसे दूर होता है, राइट और नॉट। आप देखो आकाश में जब प्लेन उड़ता है, राइट, तो आपको प्लेन कितना छोटा दिखाई पड़ता है? क्या वो प्लेन उतना छोटा होता है? नहीं, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। हमें छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा दूर होता है। तो ये जो स्टार्स है ये काफी दूर है हमसे, ठीक है, बहुत दूर है, यू कांट इमेजिन कितने दूर है, फिर भी हमें ये इतने छोटे दिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम उसके पास जाएंगे तो ये काफी बड़े दिखेंगे, राइट। सो दिस इज स्टार। स्टार का डेफिनेशन आप कहां से लिखोगे? द सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड विच इमिट हीट इन लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड स्टार्स। तो सन भी जो है हमारा वो क्या है? स्टार है। जो सन है इट इज ऑल्सो अ स्टार। तो सन हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि सन जो है नजदीक है कंपेरिजन टू द अदर स्टार। नेक्स्ट हम देखेंगे अ वर्ड कॉन्स्टिलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन, राइट? देखो हमारे आकाश में जो है, हमारे जो स्काई में काफी सारे स्टार्स हैं, और ये स्टार्स कभी कभी हमें एक नए पैटर्न में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ स्टार्स को अगर आप देखोगे तो नए पैटर्न में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कई सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट, ये एक आकार बना रहा है, राइट। हम जैसे यहाँ पर देखो उर्सा मेजर, एक इमेजिनरी हमने इमेज बनाया, ये कई सारे स्टार्स हैं, ठीक है, दिस इज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। देखो यहाँ पर ये सारे स्टार्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा जो है कैसा लग रहा है? पोलर बियर की तरह लग रहा है, राइट। तो ये जो कॉन्स्टेलेशन है इसको उर्सा मेजर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेलेशन किसको बोलते हैं? अगर कई सारे स्टार्स एक पैटर्न फॉर्म करे तो हम उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कई सारे स्टार्स हैं जो एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को बोलना रात में आपको आकाश में दिखाए सप्तऋषि कहां पर है, राइट, ठीक है, वो आपको दिखाएंगे। देन देखो एक और कॉन्स्टेलेशन मैं दिखाता हूँ, ओरियन कॉन्स्टेलेशन। देखो यहाँ पर कई सारे स्टार्स हैं ग्रुप में, राइट। देखो क्या आपको इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही है? यस, यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज। देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसके जो ये लोअर वाले क्लॉथ हैं, अगर हम इस दो स्टार को हम ये माने ये दो स्टार हैं, राइट, और हम ये समझे कि यहाँ पर इसके दो पैर हैं, राइट, और ये क्या हो जाएगा? इसका ढाल जिससे ये रोक रहा है। यहाँ पर ये इसके हाथ में क्या है? तलवार, राइट, है ना, और ये इसका बॉडी पार्ट है, ये इसका हेड है, राइट। तो हम अगर इस स्टार को देखें तो ये एक प्रॉपर पैटर्न में है। हम इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हमें लगता है कि कोई एक आदमी खड़ा है ढाल लेके और एक हाथ में तलवार लेके खड़ा है, राइट। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, राइट। सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने स्टार देखा होगा स्काई में जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार। जब कभी भी आप मॉर्निंग में उठो 5 o'clock, राइट, 5 o'clock मॉर्निंग में देखना कि एक स्टार काफी ज्यादा चमक रहा होता है, ठीक है। आप अगर ट्राई करना चाहते हो कल आप सुबह जल्दी उठना और उठने के बाद इस
आकाश में देखना एक स्टार काफी ज्यादा चमक रहा होगा, राइट। इस स्टार को हम पोल स्टार बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ये हमारा सप्तऋषि है, सप्तऋषि का जो ये दो स्टार्स हैं, इस स्टार को सामने सीधे सीधे आप देखोगे तो एक स्टार नजर आएगा जिसको हम कहते हैं नॉर्थ स्टार या पोल स्टार। ये है हमारा पोल स्टार, राइट। ये पोल स्टार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पोल स्टार शोज द डायरेक्शन ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम टू द पीपल, ठीक है। इस पोल स्टार को देख के लोग क्या करते थे, डायरेक्शन का अंदाजा लगाते थे, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब कौन सा ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है ना। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे बताओगे कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, तो आप बोलोगे सन जिस तरफ से राइज करता है उसको हम ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे यू कैन से, बट लेकिन नाइट में अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे बताओगे, राइट। तो एंशियंट टाइम के लोग जो थे वो क्या करते थे, पोल स्टार को यूज करते थे टू फाइंड द डायरेक्शन, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा है प्लैनेट। व्हाट इज प्लैनेट, अर्थ। हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक प्लैनेट है, ठीक है, जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होगा, द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। क्या अर्थ के पास अपना हीट और लाइट है, नहीं है, राइट और नॉट। सन के पास अपना हीट और लाइट है, सन क्या करती है, हीट और लाइट को इमिट करती है, राइट। अर्थ उसको क्या करता है, रिसीव करता है, अर्थ हीट और लाइट को रिसीव करता है, ठीक है। तो वैसा बॉडी जिसके पास अपना हीट ना हो ना ही लाइट हो, राइट, ठीक है, वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, राइट। ये जो प्लैनेट वर्ड है, ये प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई, प्लैनेटाई, प्लैनेटाई एक वर्ड है जो कि ग्रीक ओरिजिन का है, ठीक है। ग्रीस एक कंट्री है, वहां पर के लोग इस वर्ड को यूज करते थे, जिसका मतलब था वांडरर्स। वांडरर्स मतलब होता है घूमने वाला, जो यहां से वहां घूमता रहता है, राइट। तो ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट का भी काम क्या है, घूमना, ठीक है। कैसे घूमना दिखाता हूं मैं अभी, लुक एट हियर। ये हमारा सन है बीच में, राइट, एंड ऑल दीज आर प्लैनेट्स। ये जो चारों तरफ घूम रहे हैं ये क्या है, प्लैनेट है। यहां पर हमारा अर्थ है, देखो ये अर्थ घूम रहा है, ये वाला, ये, राइट। उसके बाद इधर ये हमारा सैटर्न है, राइट। आपके पास ये जुपिटर है, राइट। ये प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं, राइट। तो ये चारों तरफ घूमते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वांडरर्स, राइट। वांडरर्स वर्ड का मतलब ही घूमना होता है, राइट। देन हमारे अर्थ के पास एक सैटेलाइट भी है। सैटेलाइट मतलब जिस तरह अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसी तरह सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, राइट। अब ये सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जो कि हमारा मून है, राइट। नेचुरल मतलब हमने नहीं बनाया, ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है। एक होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो कि ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। इस तरह का सैटेलाइट आपने देखा होगा, कई सारे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं रॉकेट के थ्रू, राइट। ये सैटेलाइट क्यों, क्या यूज होता है इस सैटेलाइट का, फॉर ट्रांसफरिंग द सिग्नल्स ऑफ मोबाइल फोन, ट्रांसफरिंग द सिग्नल्स ऑफ टीवी, इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है, राइट। सो ये है ह्यूमन मेड सैटेलाइट और ये है नेचुरल सैटेलाइट। मून को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, राइट। सो डेफिनेशन आपको फाइंड आउट करना है। देन अब हम आते हैं सोलर सिस्टम में। ये जो आप पूरा देख रहे हो, इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इस सिस्टम में क्या हो रहा है, सन के चारों तरफ कई सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, राइट। इसमें कई सारे सैटेलाइट्स प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, और बीच में कई सारे पत्थर भी घूम रहे हैं, दैट इज एस्टेरॉइड इसके चारों तरफ घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। इफ आई आस्क यू टू राइट द डेफिनेशन, आप लिखोगे द सोलर सिस्टम इज द ग्रेविटेशनली बॉन्ड सिस्टम ऑफ सन
and the objects that orbit it, like 8 planets, satellites, asteroid and meteorites, right? तो ये definition है, इसको हम solar system बोलते हैं। तो solar system में एक sun है, total 8 planets हैं, right? इसके अलावा asteroids हैं, meteorites हैं, ठीक है, ये सब कुछ है, इसको हम solar system बोलते हैं, right? तो आप देख लो यहाँ पर, ये sun है, रुका हुआ ये picture है, mercury है, venus है, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune, these are the planets and this is sun. तो हमारे solar system में एक sun है, 8 planets हैं, right? Okay, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. Attend the class at 1 p.m. after looking this video. Thank you, have a nice day.